एग्जाम की डेट 1 अगस्त बताई जा रही है। इन दैट केस 52 दिन आपके पास, अगर पोर्शन कंप्लीशन देखें तो आप एनी हाउ आपको 15 जुलाई तक खत्म करना है, तो 37 दिन बचे हैं। अगर आप देखो तो रिवीजन आपको करना है 15 से 31 तक आपको रिवीजन करना है, तो 37 दिन में आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, उसी के हिसाब से डेली टारगेट आपको सेट करने हैं। सबसे पहले तो आपके पास 96 चैप्टर है, 96 चैप्टर्स हैं, बाकी बहुत से चैप्टर उड़ा दिए लेकिन 96 चैप्टर्स हैं और 37 दिन आपके पास बचे हैं। उस हिसाब से अगर देखोगे तो आपको हर एक दिन में 2.5 चैप्टर खत्म करने हैं, एक दिन में 2.5 चैप्टर खत्म करने हैं। कैसे कर सकते हो? एक चैप्टर बायो का, एक चैप्टर केमिस्ट्री का, आधा चैप्टर फिजिक्स का, समझ में आया? हर दिन 2.5 चैप्टर करने हैं। अगर 3 करते हो तो बहुत अच्छी बात है। सब हर दिन का टारगेट होना चाहिए कि मुझे 2.5 चैप्टर करने हैं। आपकी स्ट्रैटेजी 2 महीने में इतनी होनी चाहिए कि मैं 720 में से 550 के प्लस का टारगेट लेके चलूँ। इतना भी आजकल इनफ नहीं है, आपको ऑब्वियसली इससे ज़्यादा थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको MBBS करनी है तो आपको 600+ मार्क्स बनाने पड़ेंगे। तो पर डे अगर देखें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डेली स्टडी आवर 12 से 14 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी। सो इन दैट केस 2 यानी कि 2.5 से 3 चैप्टर आपको खत्म करने पड़ेंगे डेली, और साथ में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, थ्योरी भी रिवाइज करनी पड़ेगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे। सो एवरीथिंग यू हैव टू डू। तो स्टडी प्लान कैसे करेंगे लिख लो अपनी कॉपी के अंदर। अब हमको स्टडी प्लान कैसे करना है, स्लीपिंग टाइम 6 घंटा, प्रॉपर नींद जरूर ले लेना। उसके बाद जो डेली के आपके काम है, खाना पीना रहना सहना, 3 घंटे बहुत है। इसके अलावा आपको सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आपका सिलेक्शन होगा। और डेली क्लासेस जो आप लेते हो, मान लो आपने कोचिंग ज्वाइन किया या यूट्यूब पे क्लासेस देखते हो, 6 घंटे उसके हो गए। उसके बाद आपको आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 6 घंटे उसको देने। तो अगर आपका वाकई में सिलेक्शन होगा ना, तो 2 चीज़ों से होगा, एक तो आपकी सेल्फ स्टडी के लिए जो समय दे रहे हो थ्योरी पढ़ने के लिए, और दूसरा आपका जितने PYQ सोल्व कर रहे हो, तो ये 6 घंटे। तो अगर आप इस वे से अगर ये 12 घंटे आप अच्छे से प्लान कर लेते हो पूरे दिन में सेल्फ स्टडी और PYQ के, आपके 100% सिलेक्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आप रिलैक्स रहो, 3 घंटे बचेंगे, आराम से खाओ पियो नाचो गाओ कुछ भी करो, तुम्हारी मर्जी, तुम पढ़ना है तो पढ़ भी सकते हो, है ना। सो इस तरह से आपको प्लान करके चलना है।